पतरातू से जयनगर जाने वाली सड़क पर छोटे स्तर पर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले अशोक पांडे नामक व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे हत्या कर दी। बताया जाता है कि अशोक पांडे अपने कार से जयनगर की ओर जा रहे थे। इसी वक्त वह अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर गाड़ी खड़ा कर फोन पर किसी से बात करने लगे। उसी वक्त अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे भी हो गए। लोगों ने देखा कि वह अपनी ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग के आगे झुके हुए थे। आनन फानन में लोग तुरंत उन्हें CHC पतरातू ले गए, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। फिर आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस को वापस पतरातू CHC ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पतरातू पुलिस इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर आकर मामले की छानबीन किए। इस दौरान पुलिस द्वारा मौके से गोली के 4 खोखे बरामद किए गए, जिसे पुलिस अपने साथ ले गई और फिर CHC आकर मृत शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। उसे पुलिस थाने ले गई। पतरातू में गोली चलने और अशोक पांडे की मौत से पतरातू के लोग दहशत में हैं। घटना की जानकारी होने पर रामगढ़ SP प्रभात कुमार पतरातू पहुंचे और क्षेत्र का मुआयना किया। अभी सूचना मिली है पतरातू के जयनगर में एक शख्स को गोली लगी है और उसके बाद गोली लगने के बाद उनकी मौत हो गई है। तो पुलिस पहुंच गई है, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और पूरी तहकीकात करने के बाद घटना की सच्चाई को आपको बताया जाएगा, कैसे क्या हुआ उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या करते थे शख्स और क्या नाम था उन शख्स का? जो व्यक्ति को गोली लगी है और जिस उनका नाम अशोक पांडे बताया जा रहा है, और एग्जैक्टली वैसा कुछ करता नहीं था। वो पूर्व से भी गिरोह का सदस्य रहा है, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, रंगदारी और आम साइड केस, लेकिन अभी वो जमानत पे बाहर। कुछ जानकारी मिलता है सर कि जमीन कारोबारी कुछ करते थे सर? कुछ नहीं, वैसा अभी वैसा कुछ नहीं।